गाइस वेलकम टू द PUBG मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। जी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। भाई एक बहना क्या कमेंट की है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इंकी पिंकी डोंकी भैया भैया झाड़ा लगे सरकालो खटिया भैया भैया। इनका कहने का मतलब कि हम डोंकी और ये इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया। पूरा कपार में भूसा उसा भरा है क्या भाई? हमारे घर पे एक प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें घर वाले भी इकट्ठा हुए हैं सारे, तो बच्चे भी इकट्ठा होंगे। अब भाई साहब वो सारे बच्चे मिलके ये क्या है, इस मोबाइल में क्या है, उस मोबाइल में क्या है, माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके दो, ये करो वो करो। इसीलिए कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, ज्यादा हो जाते तो खोपड़ी खा जाते हैं। भाई हमारी टीम के जो बंदे थे वो हिंदी बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको हिंदी समझ में तो आता था तो हमको इंग्लिश में बात करनी पड़ रही थी। और आप तो जानते हैं इंग्लिश में बात करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, खोपड़ी फट रही थी। तो हमने बोल दिया भाई आई एम गोइंग टू टेक अ बिग व्हीकल देन वी विल गो टुगेदर। तब तक सामने एक बंदा दिखाई पड़ जाता है। पुजी, अरे भाई साहब ये तो बच गया। क्या भाई आंखों में बवासीर हुआ है क्या यार, इतनी बड़ी गधे जैसी गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही। पुजी पूरा खा जाएंगे तुमको। हम कहे कोई और है क्या? तब तक देखते केडी भाई देवता इधर हमारा इंतजार कर रहे थे। हम कहे लो भैया इनका आशीर्वाद ले ले जल्दी से। केडी भाई देवता मुझे आशीर्वाद दो कि मैं दुश्मन को मार के उनका मुंह काला करके उनकी पेटी पे कब्जा कर लूं। तो कहते तथास्तु। हम कहे चलो भैया टीममेट को लाना पड़ेगा वरना वो लोग तो लूटते। अरे 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 भाई जल्दी आओ मैं मरने वाला हूँ, दुश्मन आ गए। अरे भैया इंग्लिश में बोलना है, हेलो ब्रो कमिंग फास्ट हेल्प मी एनिमी कमिंग आई एम डाइंग। हेलो ब्रो आर यू लिसनिंग ब्रो, हेलो ब्रो। भाई दो नंबर कुछ रानी करिए बोका बोका बोल रहे थे। हम कहे बोका मतलब तो गधा होता है। हम कहे रुक जाओ भैया भी बताते इन लोगों को। हम कहे कहाँ है बे, सामने आ। तो ये भाई साहब इधर से उधर भागे पड़े थे, जैसे ही सामने आते तुरंत लेकर टाप। अरे भाई साहब देख लो इनको शॉटगन से मार रहे। क्या भैया हल्के में ले रहे हो क्या? दांबा पाओ एक नंबर, ये कौन सी तारीफ है भैया? अब भाई रेड जोन था तो हम रेड जोन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। तब तक देख रहे दो नंबर रेड जोन से ही फट गए। हम कहे ये लोग पद यात्रा करते हुए कहाँ निकल रहे भैया? तब तक चारों नंबर रेड जोन से ऊपर निकल लिए। हे भगवान सारा गोबर हमें मिलेगा क्या? एक नंबर। हाँ भाई बोलो भाई हेल्प दे दो यार। ये देख लो हेल्प चाहिए तो हिंदी आ गई। कहाँ से सीख लिए भैया इतनी जल्दी? कोनो आके पढ़ा के चला गया क्या? गजब तू भी आ जाती। अब तक सामने से केडी भाई देवता की मेहरानू चिल्लाने लगती है कार्टून मेरा आशीर्वाद कौन लेगा। हम कह लाओ भैया तुम भी आशीर्वाद दे दो वरना खटपिट करके खोपड़ी खा जाओगी। अबे भाई गाड़ी दो यार, चार नंबर गाड़ी हम लेके आए, गाड़ी दो भैया। अबे गोली कहाँ चल रही है? अरे भगाओ जल्दी, अबे बहरे भगा जल्दी। अब भाई सब मार मार के पूरी गाड़ी से धुआं ही निकाल दिए। हम कह रुक जाओ मेरी गाड़ी खराब करता, इतनी मुश्किल से तो गाड़ी लेके आए थे। हमला मारो। इश्क कमीना। हम कह लो भैया चार नंबर को थोड़ा खुजली कर दे। हेलो भाई चार नंबर, जब भाई तुमसे कह रहे गाड़ी भगाओ गाड़ी जल्दी आगे करो तो गाड़ी काहे नहीं आगे बढ़ा रहे थे? अरे यार उससे कैसे पैसे आएंगे भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? अब भाई इस पेटी में गुम्मा था, हम कहे गुम्मा हम लेंगे। लो भाई साहब गुम्मा एक सेकंड में गायब ही हो गया। और दो नंबर को देख लो पूरा घूमते हुए हेल्थ किट लगा रहे, गजब ही बंदे थे। हमने कहा चलो भैया गाड़ी लेके निकला जाए। अब भाई इस कार में तो फ्यूल खत्म हो गया था तो हम आए बग्गी लेने के लिए। तो दो नंबर यानी कि गाड़ी में बैठ के चले जोन में, आके यहाँ पेटी लूटने लगे। अरे बैठो भाई कितना लूटोगे यार तुम। अबे भाई ये लोग कहाँ रह गए? अरे भाई साहब जोन के बाहर क्या कर रहे हैं? अरे वहाँ क्या कर रहे हो भैया? चलो भाई मेरे क्या कर रहे हो? अरे यार जा 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 जल्दी जा। मालूमी हाँ मालूमी यार। अब देख लो इनकी नौटंकी, इन्हीं के लिए हम इंतजार कर रहे थे, रुके हुए थे। मालूमी यार क्या कर रहे हो यार? अब भाई इधर से गोलियों की आवाज आ रही थी तो देख रहे एक आदमी घास में खड़े होके पता नहीं किसको मार रहे थे। कहो टकेज आंखों में बवासीर हुआ है का? इतनी बड़ी गाड़ी दिख नहीं रही है और ये कौन है? पिची! चलो ऊपर चलो अबे। हाँ?
राजा भाई भी मिले कहाँ पे, जहाँ पे चारों लोग एक साथ उपस्थित थे, डायरेक्ट ऊपर ही चले गए। अब भाई एक आदमी गाड़ी लेके टहल रहा था, हम जानते थे किसी न किसी को ये कुचलेगा जरूर, तो हम रास्ता रोक ही रहे थे। तब तक दो नंबर देख लो ही मैन बन रहे थे उसके सामने, तुरंत इनका पिचकाऊ कर दिया। गाड़ी वाला भी इतना महान कि इतना डर गया, ले जाके गाड़ी अपने गड्ढे में घुसा दिया। अबे भैया पकड़ो इसको, गला दबाओ। तीनों लोग मिलकर ऐसा मारते तुरंत पेट पकड़ लेते। अबे जब गाड़ी चलाने आती नहीं तो काहे गाड़ी ले लेते, इससे बढ़िया साइकिल चलाओ तुम। भाई पीछे से एक बंदा दो नंबर को गोली चला के पूरा ही खा गया था। हमने कहा लो भी चेक करे, क्या पता दिख जाए। तो ये भाई साहब जैसे ही हमको देखते तो तुरंत घास में लेट जाते, सब बन जाते, सोचते हम अंधौड़े, हमको दिखेगा ही नहीं। बिच क्या सरप्राइज, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? भाई इसी बात पे खुजली वाला कुत्ता अर्ज किया है कि कभी हौसला भी आजमा लेना चाहिए, बुरे वक्त में मुस्कुरा लेना चाहिए, जब 7-8 दिन में भी खुजली ना मिटे तो 8वें दिन नहा लेना चाहिए। अब भाई आखिरी बंदा बाकी था तो इन लोग को खुजली मच गई, हमसे ही तफरी लेने लगे। यार एनिमी यार निमी आ गया, अरे बाप रे बाप, अरे बचाओ, अरे कोई है क्या, अरे बचाओ, अरे हेल्प मी। चिंटू कैंडी समझा है क्या भाई? भाई आखिरे बंदे थे केडी बाय देवता, हम धीरे से जाके उनका पिचकाऊ कर देते, लोग चिल्लाते रह जाते कोटा कोटा कोटा। एनिमी डाउन। अब भाई इस मैच में हमने माइक बंद रखा है, काहे से पिछले मैच में ही मम्मी डैडी फादर ग्रैंडफादर सबकी बातें सुन के आ रहे थे, तो हमने कहा रुक जाओ भैया पहले देख ले क्या है कैसे बंदे हैं। ऊपर से बंदे यहाँ पहले उतर चुके थे और गन कौन सी मिली हमको, VSS, इसे तो कॉकरोच भी नहीं मरेगा। तब तक देख रहे भारत को पहला झटका लगते हुए 4 नंबर पर लोग। अरे भाई कोई बचा लो, बचा लो यार। उह, 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 उह। अब भाई 3 नंबर लोग पता नहीं क्या बतिया रहे थे, बंदा आवाता चापाता गुखाता। अब भाई 2 नंबर गए उसका बदला लेने के लिए अकेले, तो वो भाई साहब सीढ़ी पे ऐसा टीपीपी लेके बैठा था जैसे कि इनको भी प्रसाद दे दिया, ये भी अपना पेट पकड़ लिए। हम कहे क्या कर रहा है भाई, ये पूरा गोईठा उठा जला के बैठा था। हम कहे लो बम फेंक देते डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच जाएगा, लो बेटा बम। अरे भाई साहब क्या, रुक जाओ भैया पहले हेलमेट ले ले तब जाएंगे। उधर हमारी टीम के 3 नंबर केडी बढ़वाते बढ़वाते पहुंच गए बंदों के पास, सब मिलके इनका गला ही दबा दिए। तब तक केडी भाई देवता आ जाते हैं, केडी भाई देवता आशीर्वाद दो, बंदों को मार के उनका मुंह काला करके उनकी गनों पे कब्जा कर ले। तो कहते तथास्तु। भाई हम अपने टीममेट्स का बदला लेने आए थे, तब तक पैरों की खड़बुड़ खड़बुड़ आवाज आती है, सरप्राइज सरप्राइज, कैसा लगा ब्रो, क्या हाल है? भाई इनको तो हमने ठेल दिया लेकिन इनके टीममेट आ ही नहीं रहा था यार, वो उसी घर में बैठा हुआ था। हम कह यार टीपीपी लिया है, देख लो कैसे बैठे हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। हमने कहा लो भैया बम फेंक दे, लो बेटा मेरा बम का गोला आ रहा है बम। चलो पर अबे तो सो गया क्या भाई, लग रहा है ये मैच ही छोड़ के भाग गया। किसी ने सही कहा है, कार्टून को देख के अच्छो अच्छो की पेंट गीली हो जाती है, गीली। तो भाई एक भैया क्या कह रहे हैं, कार्टून तुम्हारी शादी में दूल्हे तो तुम रहोगे पर वरमाला मैं पहनाऊंगा। अच्छा भैया, और एक भैया क्या कह रहे हैं, कार्टून दूल्हे तो तुम रहोगे पर मंडप में मैं बैठूंगा। अच्छा भैया, वरमाला कोई और पहनाएगा, मंडप में कोई और बैठाएगा, तो हम क्या करेंगे, वहाँ खड़े होकर ताली बजाएंगे। ये क्या बोल रहा है बे, पूरा गोबर है काई। अब भाई 2 नंबर ऑडियंस बन के हमारा मैच देख रहे थे, उधर आगे से गोलू की आवाज आ रही थी, 2 स्क्वाड के बीच में भिड़ंत हुई थी। तब तक हम पीछे से पहुंच जाते हैं, अरे भैया कहाँ दौड़ के जा रहे हो। और ये सामने स्करट वाले को देख लो, गोली चला रहे थे भाई साहब, सोच रहे थे हम इनको मार ही नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब अन्ना तानिया, सॉरी तानिया मुझे पता नहीं था कि आप लड़की हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं आपके ऊपर बग्गी की जगह रोड रोलर ही चढ़ा देता, वो भी बड़ा वाला। हम कह रहे हैं स्कर्ट पहन के मत घुमा करो, बंदा तो आगे निकल जाता है लेकिन उसकी स्कर्ट टायर में फंस जाती है। भाई साहब इनकी स्कर्ट टायर में फंस गई, ऊपर निकल लिए। तब तक देख लो सामने से आगे लूटने के लिए, गांव बसा नहीं अभी, लुटेरे पहले ही चले आ गए। हम कह लग रहा पिचकाऊ करेगा भैया, गाड़ी में बैठ जाओ। हम कह लो पीछा करे इसका धीरे से, मौका मिलेगा तो इसको भी निपटा देंगे। तो हम धीरे से जैसे ही जाने लगते तब तक पीछे से गोली पड़ने लगती है, पूरा गाड़ी से धुआं निकल आता है। हम कह भागो भैया जल्दी।
अब भाई दूसरी गाड़ी लेके जा रहे थे तो सामने देख रहे बंदा कोने में गाड़ी खड़ी करके पैग मार रहा था। अब कहा रुक तेरी सिक तैसी, अभी बताता हूँ, लगा के दो पैग बलिए सबके ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा। अबे रुक, अरे कहाँ निकल गया बे, अबे रुक जा जल्दी, पीछा कर उसका। दारू 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 हट, दारू 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 जो ना नाचे उसको मारो ना ना। तो भैया ये तो भाग ही गए, जानते हो कहाँ भाग के गए थे, अपने दोस्तों के पास। ये चाचा चौधरी का दिमाग लगाए थे, सोच रहे थे कि हम भी इनके पीछे पीछे चले जाएंगे। हम पागल है क्या, चिंटू कैंडी थोड़ी ना है कि तुम्हारे झांसे में आ जाएंगे। हम ऐसे वैसे झांसे में नहीं आने वाले, हम क्या लो भैया चल के लूट लिया जाए। इतनी मेहनत किए थे, चार चार बंदों को यहाँ मारे थे तो हम लूट रहे थे, हमको क्या पता कि यहाँ कोनो घात लगा के बैठा हुआ है, पीछे से गोली पड़ने लगती। अबे रुक जा भाई, अबे अबे रुक जा भाई, हम ही ने मारा यार, चार पेटी तो इसमें हमारी है, तुमको थोड़ी ना लूटने देंगे, तुम हो कहाँ। तो ये भाई साहब ऐसा साफ बना हुआ था कि एकदम दिख ही नहीं रहा था, हम कहे कहाँ है भाई, लेफ्ट में नहीं दिख रहा था, राइट भी नहीं दिख रहा था, तब तक गोली चला के बता देते हैं। हम क्या बता दी अपनी पोजीशन, अभी बताते हैं। मुझे पता नहीं था कि आप लड़की हैं, वरना मैं आपका स्वागत लॉलीपॉप से करता, जी ललचाए रहा ना जाए। और इधर देख लो केडी भाई देवता को, हमारे जाने का इंतजार कर रहे थे कि जब हम जाएंगे तो ये आके पेटी लूटेंगे। हमारी नजरों से ना ही कोनो चूहा बच सकता है ना चूहिया, निकलो भैया जल्दी जोन में, वरना जोन के बाहर ही लंका लग जाएगी। और जोन भी देख लो कहाँ बना है, पहाड़ के ऊपर, और वहाँ पहले से बंदे पहाड़ पे गाड़ी उड़ी खड़ी करके अपना कब्जा कर लिए थे, कार 98 से खटर पिटर कर रहे थे। हम क्या करने दो भैया, टाइम एंड टाइड वेट फॉर द नन। भाई एक भैया क्या बोल रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि कार्टून सब लड़कियों को तुम बोलते हो ब्रेकअप कर लो ब्रेकअप कर लो, तुम्हारी वजह से सबका ब्रेकअप हो रहा है, मेरा भी हो गया। अच्छा हमारी इतनी बात मानी जा रही है तो ये वाली बात क्यों नहीं मान रही, हम ये भी तो बोलते थे साथ में कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मुझसे पैचअप कर लो मुझसे पैचअप कर लो। हमें तो लग रहा है कि कोई और उसको 30 गोलगप्पे खिलाने वाला मिल गया है और जानबूझ के बहाना मार रही है। अब तुम आराम से घर में बैठ के ताली बजाओ। अब भाई ये चड्डी वाला हमको अकेले मारने आ रहा था, जैसे ही कपार पे चार गोली पड़ी तुरंत अपने दोस्त को फोन करके बुलाने लगे, हम क्या आ जाओ भैया आ जाओ, AWM चैलेंज कर रहे हो आ जाओ, कमॉन कमॉन। तो ये आ ही नहीं रहे थे। अब भाई इनके धीरे धीरे दोस्त तीनों इकट्ठा हो गए साथ में, लेकिन तब भी आ ही नहीं रहे। हम कहे भैया ये लोग बम वम फेंकेंगे ऊपर, तो हम नीचे ही खड़े थे, पता नहीं ये लोग कौन सा चाचा चौधरी का दिमाग लगा रहे थे, हमको समझ नहीं आ रहा था। तब तक देख लो यहाँ से एंट्री मारे, लो बेटा भम्मा चलो ऊपर। और ये क्या नाम है मेरी लो, हेल्थकेट मारो भैया जल्दी से, वो चड्ढी वाले इधर ही घूम रहे। अब भाई वो लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, कौन सा दिमाग लगा रहे थे, हम कह लो गाड़ी चढ़ा देंगे उन लोग के पास, सबको कुचल डालेंगे, तब तक ही बगल में ही दिख जाते हैं। हम कह रुक जाओ भैया अभी बताते हैं, लो बेटा भम्म 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 चलो ऊपर, कर लो भैया आज तुम AWM चैलेंज आज ही कर लो, तुम भी आ जाओ बेटा, लो बेटा भम्म भम्म। अबे क्या कपार पे चढ़ोगे क्या। तो भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, मिलते हैं कल 12:30 बजे। Bye bye!